उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा में शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिरकत की। वहीं सम्मान समारोह में जहां क्षेत्र के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, वहीं शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सक, उद्योगपति और व्यापारियों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बेहतर करने की बात कही। वहीं कार्यक्रम में मौजूद शिक्षक वर्ग से उनको शिक्षा की बेहतरी के लिए किए जा रहे फैसलों में सहयोग करने की भी अपील की गई। वहीं सम्मान समारोह में छात्र, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारियों सहित लगभग 400 लोगों को शिक्षा महकमे द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रतिभा का सम्मान अक्सर प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसलिए शिक्षा महकमे ने सीमांत क्षेत्र की प्रतिभाओं को सम्मानित किया है। उन्होंने प्रतिभा सम्मान समारोह के सफल आयोजन पर शिक्षा महकमे और क्षेत्र सामाजिक लोगों को सहयोग करने पर उनका धन्यवाद किया। चाहे हमारे शिक्षक हो, शिक्षिका बहन हो, चाहे हमारे मेधावी बच्चे हो, चाहे समाज क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, प्रतिभाओं को सम्मानित करने का काम करते हैं, उन लोगों का भी कहीं ना कहीं हक बनता है किसी मंच से उनको भी सम्मानित किया जाए। और यह सम्मान जो है कहीं ना कहीं औषधि का काम करता है, चाहे बच्चे हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे शिक्षिका हो, चाहे समाजसेवी लोग हो। और हम लोग का दायित्व बनता है, इस प्रदेश की जनता ने हमको दायित्व सौंपा है, हम लोग का दायित्व बनता है कि सामाजिक योगदान के तहत हम भी ऐसे प्रतिभावान लोगों को उनके जाकर फिर तक दबाएँ, ताकि वह समाज में अच्छा काम कर सके, जिससे कि आने वाले समाज में, आने वाले समय में समाज और बेहतर बन सके। संवाद 365 के लिए खटीमा से दीपक चंद्रा की रिपोर्ट।